हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वो बॉलीवुड की मूवी है। उसका पहले एक पार्ट आ चुका हुआ है, अब उसका सीक्वल आ रहा है और वो मूवी का नाम है एक विलन। एक ऐसी मूवी थी जिसमें रोमांस था, हल्की सी कॉमेडी थी और एक्शन था और वो था और वॉलेंस था। वॉलेंस भी साइड ऑफ वॉलेंस था यार। बहुत उसमें उसकी जो कास्ट की बात की है, उसमें रितेश देशमुख थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा थे और अपनी क्या नाम था, श्रद्धा कपूर। और लेकिन अब की जो कास्ट है इसकी बात करते हैं। इस कास्ट में है जी जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटनी और वो जो तारा है, नई एक्टर ये बॉय आजकल माशाल्लाह से बहुत चल रही है, आपको लोग उन्हें देखना भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा टी सीरीज ने जो ये जॉन और अर्जुन को इकट्ठा किया, देखते इन्होंने इसमें क्या किया यार। ये तो भाई चले प्रेडिक्शन करते हैं। पहले मैंने लिटरली अभी तक नहीं देखा इसका ट्रेलर पूरा क्या मैंने देखा ही नहीं अभी तक। सो मुझे लग रहा है कि ना जॉन अब्राहम जो हैं वो विलन होंगे, आई थिंक सो, और अर्जुन कपूर एज अ विलन। लेकिन जॉन एज अ हीरो हो सकते हैं और अर्जुन कपूर एज अ विलन भी हो सकते हैं। अब तो देखते हैं तो पता चलता है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। One, two, three, go. राकेश महाटकर, एक आम आदमी, 18 लड़कियों का मर्डर। शायद आप लोगों को लगा कि कहानी खत्म, पर 8 साल बाद एक विलन रिटर्न। जान लेना इसकी बीमारी है। वो सिर्फ उन लड़कियों को टारगेट करता है जिनके वन साइडेड लवर्स हों। दिल टूटे आशिकों का मसीहा बनना चाहता है। कुछ तो कनेक्शन है इन सब एक तरफा लव स्टोरीज में और उसकी लव स्टोरी में। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझे मैं सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। बेवास्ते कभी मेरा ये प्यार ना, मत छोड़ मुझे, मत छोड़। ऐसे केस में बोलना बहुत मुश्किल होता है कि कौन हीरो कौन विलन। मैं हीरो हूं तेरी कहानी का, तू हीरो तो मैं तेरी कहानी का विलेन। मार दूंगा सबको या खुद मर जाऊंगा, मारते पर मैं उठता रहूंगा आखिरी सांस तक। तेरी गलियां 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 यूं तड़पावे गलियां, तेरी गलियां। डर और प्यार लोगों से बुरी चीजें करवाता है, तो मैं कौन हूं, तेरा डर या तेरा प्यार? विलन। ब्लॉकबस्टर जोड़ी है अपनी, मैं विलन और तू। ए विलन। एक विलन भाईजान, एक विलन। अब मुझे समझ नहीं आ रहा विलन कौन है, लड़कियाँ या लड़का? एक सीन ये हो सकता है कि दोनों लड़कियाँ और दोनों लड़के ही विलन हो। एक सीन ये हो सकता है कि भाईजान एक जोड़ी हो जो विलन हो, एक जोड़ी हो जो हीरोइन या हीरो। ये तो अब देखिए जब मूवी आएगी तभी देखते हैं। और इसके जो सॉन्ग्स की बात की जाए, सॉन्ग्स में एक गाना तो पुराने वाले डाल दिए तेरी गलियां, वो तो यार आई लव इट सीरियसली। ये जब गाने आए थे ना एक विलन के, हर जगह इस मूवीज़ के सॉन्ग्स बजते थे भजन तेरी गलियां और ये ही डूबे दिल मेरे, ये वो सारे जितने भी थे ना इसके गाने बहुत फेमस हुए थे, चार्ट बस्टर सॉन्ग्स थे। अब देखते हैं इसके सॉन्ग्स कैसे होंगे, लेकिन आई होप इस दफ़ा भी इन्होंने सॉन्ग्स में मेहनत की होगी। वैसे सिद्धार्थ और श्रद्धा को और रितेश भाई को तो मिस कर रहे हैं इस मूवी के अंदर, लेकिन आई होप इन्होंने बेस्ट किया होगा इसके अंदर। अच्छा हमको सिखा रहा है। अच्छा चारों कास्ट बहुत बढ़िया, वैसे और भी लोग होंगे लेकिन अब स्टार कास्ट है, चारों के चारों जो हैं स्टार कास्ट हैं। इसमें एक सीन जो ये लगा है मुझे दिशा पटनी का, ऐसे कि वो जो उसमें हंसी है वो वैसे ही हंसी जैसे श्रद्धा हंसती होती थी ये पुराने एक विलन के अंदर ना। और वो उन्होंने सीन वही डाला कि ये विलन वो पुराना वाला डाला है। सो ये था आज का रिव्यू और रिएक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। ऐसे ही दुआ करते रहे कि रोज़ नए ट्रेलर्स आते रहे और मैं आपका रोज़ नए ट्रेलर्स के रिव्यूज़ करने आता रहूँ। आप काफ़ी दिनों से आप कहेंगे दोबारा गैप आ गया था और अब ट्रेलर आया तो मैंने कहा चलो आप रिव्यू बना देते। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।